हेलो स्टूडेंट, आपको मैंने पिछले वीडियो में जैव विविधता के बारे में समझाया था और मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है या आप कह सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है ना, इसमें जो जीव हैं वो प्रकृति के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि अगर हम इन एनिमल्स को समझना चाहें, अगर हम इनको पढ़ना चाहें, तो इसके लिए क्या है, इनका वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण में इनको इनके जो करैक्टर्स थे, इनका जो लक्षण थे, इनके जो आवास थे यानी कि जहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनके जो वाइटल एक्टिविटी जैविक क्रियाएं थी, इनकी जो शारीरिक संरचना थी है ना, उसके आधार पर इनको क्या है, वर्गीकृत किया गया, इनको डिवाइड किया गया। अब ये जो डिवीजन है, समझ गए, इस डिवीजन में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे अपना वर्क किया, काम किया, लेकिन जो नाम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नाम है आपका कैरोलस लीनियस। ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोलस लीनियस, ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। अगर वर्गीकरण की बात आती है तो उसमें कैरोलस लीनियस को आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, इस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी 1735 में, समझ गए। तो लीनियस जो थे, इन्होंने जंतुओं का जो वर्गीकरण है उसको अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, में पब्लिश किया और इन्होंने इस बुक के 10 एपिसोड बनाए, यानी कि 10 एपिसोड का मतलब 10 इसके संस्करण इन्होंने पेश किए और 1431 जो एनिमल्स थे इनको इसमें क्लासिफाइड किया, समझ गए। तो इनके इस कार्य के लिए, इनके इस वर्गीकरण में योगदान के लिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, समझ गए। तो ये जो कैरोलस लीनियस हैं, ये वो व्यक्ति हैं, वो वैज्ञानिक हैं, वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्गीकरण के बारे में अपने मत दिए और उनके जो मत थे वो मान्य भी हुए, समझ गए, बात समझ में आई। और इसलिए इनका जो योगदान रहा, उस योगदान के आधार पर इनको एक उपाधि से सम्मानित किया गया और इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, समझ गए। और अगर हम इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, वर्गीकरण विज्ञान का पिता, या फिर इसको पिता के स्थान पे जनक भी कह सकते हैं, समझ गए। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने अलग अलग लक्षण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया, समझ गए, बात समझ में आई। अब वो जो कैरोलस लीनियस हैं, इनका जो नाम है ये वर्गीकरण के लिए तो लिया जाता ही है, दूसरा इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जीवों का नामकरण भी किया, जो एनिमल्स हैं उनका इन्होंने नामकरण किया, बायोलॉजिकल नेम दिया। देखो जैसा कि तुम लोग जानते हो
कि अलग अलग प्लेस पर, जैसे इंडिया की ही बात करो तो इंडिया जो है उसमें जैसे आप लोगों ने एक सब्जी है, वेजिटेबल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कद्दू कहते हैं, तो कहीं कहीं पर इसको सीताफल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर इसको रामफल के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, क्लियर है। तो जो स्थानीय नाम होते हैं वो स्थान के आधार पर होते हैं, और इसको जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी भाषा में अलग नाम देते हैं, समझ गए। कैरोलस लिनियस ने जो नामकरण दिया वो बायोलॉजिकल था, जीव वैज्ञानिक था, और इस नामकरण का क्या है, इंटरनेशनल वैल्यू थी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व था। अर्थात इन्होंने जो अपना नामकरण दिया जीवों के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। आज भी हम जो वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं वो उसी नामकरण का क्या है, देन है, समझ गए मेरी बात। तो इनका जो नामकरण है, जो कैरोलस लिनियस ने जो नामकरण दिया, नॉमेनक्लेचर दिया, उस नामकरण को द्वि नाम पद्धति कहते हैं, समझ गए, क्या बोलते हैं उसको, द्वि नाम पद्धति। अगर इंग्लिश में बोले तो बाइनोमियल, बाइनोमियल सिस्टम, समझ गए। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल सिस्टम, समझे, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वि नाम पद्धति, द्वि नाम पद्धति, समझे। तो यहां पर जो जीव है उनका जो नामकरण है उसको देने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे, कैरोलस लिनियस। अब अगर हम इस पद्धति की बात करें तो देखो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप, सबका एक अपना बायोलॉजिकल नेम होता है, और ये जो बायोलॉजिकल नेम है ये इंटरनेशनल लेवल पर एक समान होता है। आप इंडिया में वो नाम पढ़ोगे, ठीक, अमेरिका में वो नाम पढ़ोगे, ठीक, जापान में वो नाम पढ़ोगे, आप किसी भी देश में जाके उसका नाम पढ़ोगे वो हर जगह क्या होगा, कॉमन होगा, समझ गए। तो ये जो चीज है उससे, उस एनिमल से रिलेटेड जो उसका स्टडी है, उसका अध्ययन है, उसके बारे में जो जानकारी है, बायोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग वो कैसी होती है, अध्ययन में हमको सुविधा मिलती है, समझ गए मेरी बात। अब देखो यहां पर ये पद्धति है क्या, देखो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि जो जीव हैं, जो एनिमल्स और प्लांट हैं, इनके नाम दो पदों से मिलकर बने हैं। जो भी नाम आप बायोलॉजिकल नेम मिलोगे उसमें कितनी स्टेप होती है, दो, ठीक है। अब देखो इसमें जो पहली स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं जीनस, हिंदी में बोलते हैं वंश, ठीक है, जीनस। और जो दूसरी स्टेप है ये आपकी पहली हो गई, अगर हम दूसरी की बात करें तो ये क्या होती है, स्पीसीज, स्पीसीज को क्या बोलते हैं, जाति। तो हम किसी भी एनिमल को अगर नाम दे रहे हैं तो उस नाम में दो नाम होते हैं, पहला जो नाम होता है वो वंश का होता है यानी कि जीनस का, और जो दूसरा नाम होता है वो स्पीसीज का होता है यानी कि जाति का, समझ गए। तो जब जंतुओं के नामकरण को कैरोलस लिनियस ने दिया तो उन्होंने ये बताया कि जंतुओं का नाम दो से मिलकर बनता है, दो पदों से मिलकर बनता है, पहला पद जो होता है वो वंश का होता है यानी कि जीनस, और दूसरा पद जो होता है वो जाति का होता है यानी कि स्पीसीज। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, सबसे बढ़िया हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं यानी कि मनुष्य का, ठीक है। अब देखो अगर हम ह्यूमन यानी कि मनुष्य की बात करें,
तो मनुष्य में देखो पहला नाम होता है होमो, होमो ये किसका नाम हो गया, वंश यानी कि जीनस, और दूसरा नाम होता है सैपियंस, ये किसका हो गया, जाति यानी कि स्पीसीज। अब पूरा नाम क्या हो गया, होमो सैपियंस, ये आपका क्या हो गया, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया। होमो जो है वो वंश है यानी कि जीनस है, और सैपियंस क्या है, स्पीसीज है यानी कि जाति, दोनों को मिला दो तो होमो सैपियंस हो गया। और होमो सैपियंस क्या है, ह्यूमन का, मानव का क्या है, वैज्ञानिक नाम। आया समझ में? इसी तरह से कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग देखते हो मैंगो, मैंगो होता है सभी लोग खाते हैं मैंगो, तो मैंगो को हम लोग आम हिंदी में क्या बोलते हैं, आम। लेकिन अगर हम इसका बायोलॉजिकल नेम देखें तो लोगों इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगी फेरा, मैंगी फेरा इंडिकाना। अब इसमें देखो मैंगी फेरा इसका क्या हो गया, वंश हो गया, इंडिकाना क्या हो गया, जाति। तो पूरा नाम क्या हो गया, मैंगी फेरा इंडिकाना, समझ रहे हो। सरसों, सरसों का तो सभी ने प्लांट देखा होगा, येलो कलर का फ्लावर होता है उसमें, सभी ने देखा होगा, ठीक। अगर हम सरसों की बात करें तो उसका नाम क्या होता है, ब्रेसिका, ब्रेसिका ये हो गया वंश, और कम प्रेस्टिस क्या हो गया, जाति। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, मेढक है, मेढक, मेढक सभी ने देखा होगा, मेढक में देखो, मेढक में पहला नाम होता है राणा, राणा, और दूसरा नाम क्या होता है, टिग्रीना। राणा क्या हो गया, वंश, और टिग्रीना क्या हो गया, जाति। तो इस तरह से जो जीवों का नामकरण है उसमें बाइनोमियल सिस्टम जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, सबका बायोलॉजिकल नेम दो पदों से मिलकर बना है। पहला पद आपका क्या होगा, वंश यानी कि जीनस, और दूसरा पद कौन सा होगा, स्पीसीज यानी कि जाति, समझ गए। दोनों पदों को मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम, जैव वैज्ञानिक नाम। बोलवा गई बस समझ में, क्लियर है। अब ये जो सिस्टम है, चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय मान्य है यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको क्या अप्रूव किया गया है, और आज भी जो हम नाम पढ़ते हैं वो बाइनोमियली होते हैं, समझ गए। इसमें कुछ ऐसा है ना, नियम है, अब वो नियम जो है वह मैं आपको इसी एग्जाम्पल में ही समझा दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो पहला नियम ध्यान से समझना, और इसको आप इम्पोर्टेंट भी समझो क्योंकि एग्जाम में भी आता है। तो वो पहला नियम, जब हम बायोलॉजिकल नेम देखते हैं यानी कि जैव वैज्ञानिक नाम देखते हैं, तो इसमें जो पहला नाम है, जैसे मैं आपको मनुष्य का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना, मनुष्य का एग्जाम्पल चूंकि आपके ऊपर है इसलिए इसको याद करने में आसानी रहेगी। देखो मनुष्य में अगर हम बात करें तो पहला नियम क्या कहता है, जो वैज्ञानिक नाम का पहला पद है होमो, ये वंश का होगा, और जो दूसरा पद है वो किसका होगा, जाति का। तो जब भी वैज्ञानिक नाम हम लिखेंगे तो उसमें पहला पद किसका होगा, वंश का होगा, और दूसरा पद क्या होगा, जाति का। पहली चीज समझना नहीं, नंबर टू देखो, नंबर टू इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। देखो जो जीनस है यानी कि वंश, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जो जीनस है उसका जो नाम है उसका पहला अक्षर बड़ा होगा, जैसे होमो में एच बड़ा है, और जो जाति है उसका पहला अक्षर कैसा होगा, छोटा होगा, समझ गए। तो दूसरा नियम क्या है, जो वंश है उसका पहला अक्षर बड़े लेटर का होगा, कैपिटल लेटर में होगा,
और जो जाति है उसका पहला लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा, समझ गए, क्लियर। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा नियम ये है कि जो होमोसेपियंस है यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है ये लैटिन वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं और इनको थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, सीधा सीधा नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा तिरछा करके लिखा जाता है, समझ गए, क्लियर। तो इस तरह से अगर हम बाइनोमियल सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर एक चीज आपके लिए क्या होगा कि बाइनोमियल है क्या, तो मैंने आपको समझा दिया। फिर एग्जांपल्स हो गए, मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बता दिए, ठीक। और तीसरी चीज क्या हो गई, नियम, इसको लिखने के नियम क्या है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक, क्लियर, बात सबकी समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसी में अगर हमको मान लो किसी एनिमल को क्या करना पड़े, क्लासिफाइड करना पड़े, तो इसके लिए क्या है, यूनिट्स होती हैं, वर्गीकरण की इकाइयां, वर्गीकरण की इकाई, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको भी आप इसी वीडियो में समझ लीजिए। देखिए पैटर्न पर लिखते हैं, मतलब उसका भी एक पैटर्न है और वो सिस्टमैटिक होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कैसे भी लिख दिया। तो वो जो इकाई है वो आप समझ लो किस तरह से होती है। देखो सबसे पहले आपका नंबर वन होता है किंगडम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जगत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहे हैं। पहला क्या हो गया, किंगडम यानी कि जगत, ठीक। दूसरे नंबर पे होता है फाइलम, इसको क्या बोलते हैं, सन, ठीक। फिर होता है क्लास यानी कि वर्ग, फिर होता है ऑर्डर यानी कि घर, फिर होता है फैमिली यानी कि कुल, फिर होता है जीनस यानी कि वंश, और लास्ट में क्या होगा, स्पीसीज, और स्पीसीज का मतलब जाति। ये है इसका यूनिट। तो जब भी किसी एनिमल को या प्लांट को वर्गीकृत करेंगे तो हम किस यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे, इस तरह से, ये इसका क्रमानुसार सिस्टमैटिक पैटर्न है, समझ गए। अब देखो यहां पर जो किंगडम है यानी कि जगत, ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, लार्जेस्ट यूनिट, बड़ी इकाई, समझ गए। और सबसे लास्ट में कौन है, स्पीसीज, ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि छोटी इकाई। आया समझ में। तो यदि आपसे कोई ये पूछे कि वर्गीकरण की इकाइयां कितनी होती हैं, तो उसके नाम आपके सामने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर टू, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, किंगडम, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्पीसीज, बात समझ नहीं, क्लियर। तो सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी, ये लिखने का क्रम होता है, बात समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक। अब देखो जो आपका ये इकाई है, इकाई, अब अगर हम इसमें मान लो कोई एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल हम मनुष्य का ले लें, मनुष्य का, और मनुष्य को अगर हम इसमें वर्गीकृत करना चाहें, क्योंकि आपके सिलेबस में मनुष्य का वर्गीकरण है भी, है ना। तो देखो सबसे पहले किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमल,
यानी कि क्या हो जाएगा, जंतु। फिर फाइलम, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हिंदी में भी कॉर्डेटा ही बोलेंगे या फिर बोलेंगे कशेरुकी, समझ गए। वैसे कॉर्डेटा बायोलॉजिकल टर्म है, उसी को समझो। फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्लास। क्लास क्या होगा, मैमेलिया। मैमेलिया और मैमेलिया को क्या बोलते हैं, स्तनधारी। सही है, स्तनधारी। फिर आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होगा, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स और प्राइमेट्स को हिंदी में भी प्राइमेट्स बोलेंगे। उसके बाद फिर फैमिली। फैमिली में क्या हो जाएगा, होमोनिडी। होमोनिडी, होमोनिडी में भी सेम हो जाएगा। और फिर जीनस और स्पीसीज, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। जीनस क्या हो जाएगा, होमो, और स्पीसीज क्या हो जाएगी, सैपियंस। तो लोगों, होमो, उसके बाद सैपियंस। तो होमो सैपियंस ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल नेम। क्लियर। तो इस तरह से अगर हम वर्गीकरण की इकाई की बात करें तो इतनी इकाई होती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई हो गई। और अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहां पर हम मनुष्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं और मनुष्य के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं इस तरह से। आगे समझ में। तो इस तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके लिए ये दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, बाइनोमियल सिस्टम क्या है एग्जाम्पल के साथ, और नंबर टू, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाई कौन कौन सी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। क्लियर, बात सबकी समझ में आ गई। तो इसको ध्यान से समझ लो, कोई कमेंट्स हो तो मेरे चैनल पे दो, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक यू।